कठिनाई और संघर्ष भरी जिंदगी में मैं एक आज बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। मेरे इस फैसले को हौसले में बदलने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, स्टार्टिंग से एंड तक। हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग, और ये मेरी जिंदगी का पहला व्लॉग है। इस व्लॉग में मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ और काफ़ी नर्वस भी हूँ। सो गाइस, मैं इस व्लॉग में आपके लिए ऐसा क्या करूँ जिससे मैं आप सभी के दिल जीत सकूँ। मुझे पता है कि अपने इस फर्स्ट व्लॉग से मैं आपके दिलों में राज नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस, आज हम आ गए हैं अपना फर्स्ट व्लॉग शूट करने के लिए, और वो मेरे दो सहपाठी दोस्त हैं कृष्णा और हमारे कबीरा ब्रो। तो गाइस, मुझे आशा नहीं बल्कि खुद पर पूर्ण विश्वास है इन फ्यूचर आप मुझे ऐसे ऐसे मौके दोगे, ऐसे ऐसे अवसर दोगे जिससे मैं आपके दिलों में राज कर सकूं और अपने मिट्टी की झोपड़ी से ताजमहल से भी अच्छा आपके दिलों में घर बना सकूं। सो गाइस, इसमें मुझे थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़ा टाइम लगेगा, और आपका मुझे इसमें बहुत साथ चाहिए, आपका बहुत कीमती और बहुमूल्य समय चाहिए जिससे आप मेरे ब्लॉग को देख सको और सपोर्ट कर सको। सो गाइस, अपने इस ब्लॉग में सारी चीज़ें प्रदर्शित नहीं कर सकता हूँ, और मैं इन फ्यूचर आपको इतनी अच्छी अच्छी जगह ले जाऊँगा और अच्छे अच्छे ब्लॉग दूंगा, नए नए कंटेंट दूंगा, ताज़ी नए नई फ्रेश चीज़ें आपको एक्सप्लोर करूँगा। तो गाइस, कुछ लोग आए हुए हैं नहाने को, देखिए जैसे कि वहाँ पर ये हमारे यहाँ का मिनी स्विमिंग पूल है, देखिए गाइस। और देखिए भाई लोग, ये देखो बिल्कुल पोजीशन में, फुल पावर डाइव मारने की तैयारी में। देखिए कितना शुद्ध पानी है, बिल्कुल ग्रीन। चलिए फिर गाइस, मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि आपको आपके दिलों में मेरे प्रति और मेरे दिलों में आपके प्रति एक रिश्ते का अटूट नेटवर्क बना रहे। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने नाम से शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम संतोष सिंह राणा है और मैं अभी एक अनग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। कुछ घर की विपरीत स्थिति के होने के कारण तथा आर्थिक असंतुलन बिगड़ने के कारण मेरी एजुकेशन अधूरी रह गई, और 12वीं पास मैंने अपने गांव के नज़दीकी विद्यालय गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज से की है मैंने, जो कि सन 2016-17 में। 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद मैं शैक्षणिक प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं अभी भी शैक्षणिक प्रतियोगिता की तैयारी करता हूँ और उनमें भाग लेता हूँ। शिक्षा और ब्लॉग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, सभी ब्लॉग भी कैम से आते रहेगा और नई नई चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा। सो गाइस, इसके अलावा मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भारत के 28 राज्यों में से 11 नंबर के हिमालय राज्य उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, जिसका कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश के 1.69% एरिया में है, जहाँ पर पूरे भारत की 0.84% आबादी निवास करती है, और उन आबादी में से एक तुम्हारा भाई भी है। वहीं फैमिली मेम्बर की बात की जाए तो हम परिवार में 5 सदस्य हैं, जिसमें मेरे 2 बड़े भाई हैं और मैं तीसरा सबसे छोटा भाई हूँ। तो आप वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। घर का सबसे छोटा हूँगा तो लाडला हूँगा, ये बात गलत है। माँ बाप की नज़रों में हम तीनों भाई एक समान हैं, तीनों भाई हम आँखों के तारे हैं माता पिता की नज़रों में। इसमें हमारे घर में कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। हाँ, उनमें सबसे छोटा हूँ तो मैं थोड़ा उनका चहेता हूँ, उनका लिटिल स्टार हूँ। लगभग गाइस, जितना मुझे अपने बारे में बताना था सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं फिर नई लोकेशन पर, और वहाँ पर हम बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त जहर जहर एकदम एनिमेशन शॉट निकालेंगे। जिस तरह से मेरी साइकिल का पहिया घूम रहा है, ठीक उसी तरह हमारे वक्त का पहिया भी घूम रहा है। इस भीड़ भरी जिंदगी में हमें लोगों से आगे निकलने के लिए कठिन परिश्रम तथा हार्डवर्क करना होगा, तब जाकर हम भीड़ से अलग होकर उनसे आगे निकल पाएंगे। सो गाइस, आपको हम अपनी बस्ती दिखाते हैं। गाइस देखिए, गाइस हमारी बस्ती की आधी हस्ती तो बाहर रहती है, काम वाम करते बेचारी, क्योंकि वो लड़के हैं, उन्हें अपना ही घर बनाने के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता है गाइस। और गांव में रहने का कुछ मज़ा ही कुछ और है, ताज़ी हवा, स्वच्छ वातावरण और चारों तरफ हवा से लहलाती फसलें। बट अभी गेहूं कटाई का सीज़न चल रहा है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है गेहूँ कटाई कम्प्लीट होने वाली लगभग लगभग। और हमारे गाँव में काफ़ी
अमीर वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और हमारे जैसे निम्न वर्ग के लोग भी रहते हैं गाइस यहाँ पर। देखिए यहाँ गाइस, ये देखिए हमारे गांव का नज़ारा। ओह माय गॉड ब्रेकर, गति अवरोधक आते हुए यहाँ पर और हमने गति अवरोधक को क्रॉस कर दिया है गाइस। इंडियन टैलेंट, ब्रेकर का कोई फ़ायदा नहीं है, खतरों के खिलाड़ी। तो गाइस शाम को हम वॉकिंग में निकले हुए हैं गाइस, ठंडी ठंडा हवा आ रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें ऐसी हवा खाते हुए। सो गाइस आपको मैंने अपनी बस्ती तो दिखा दी और मैं आपको अपना घर दिखाने जा रहा हूँ गाइस। तो गाइस ये है हमारी हवेली, आइए कभी हमारी हवेली पे, आपका मोस्ट वेलकम है गाइस। आइए हमारी, हमें भी आप अपनी खातिरदारी का मौका दीजिए और 100% आपकी उम्मीदों में हम खरे उतरेंगे गाइस। हमारा महल देखिए गाइस, वो देखिए मेरा भाई, सबसे बड़ा भाई काम करते हुए, और वो हमारी माता श्री, भोजन पकाने की पूरी तैयारी हो रही है, पूर्ण तैयारी हो रही है। बस थोड़ी सी आज मुझसे थोड़ी नाराज़ है, आज मैंने उनके मन का काम नहीं किया है। सो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे पता चल गया है व्लॉगर की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, एक शॉर्ट्स के लिए हमें 99 रीटेक लेने पड़ते हैं गाइस। मैंने इस व्लॉग के लिए काफ़ी कुछ सोचा था, काफ़ी कुछ योजनाएँ बनाई थी और स्किप वगैरह भी लिखी थी, पर वो सब कैमरा ओपन होते ही सब पानी पानी हो गई हैं। तो गाइस आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें गाइस। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग, मेरा फर्स्ट ब्लॉग आपको अच्छा नहीं लगा। अगर आप कमेंट करोगे इसमें अच्छा अच्छा और मुझे बहुत सारा प्यार दोगे तो मैं समझूंगा कि मैंने आपके दिल को जीतने का प्रयत्न किया है। तो गाइस तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए दिन, नई सुबह, नई रात और नए ब्लॉग।